एनजीटी के आदेश पर साहिबगंज जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर जिला टास्क फोर्स टीम को कई निर्देश मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनजीटी के आदेश पर जिले के मिर्जा चौकी से लेकर तालझाड़ी अंचल क्षेत्र में 4 ग्रिड को तैयार किया गया है, जहां प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है, जिसको लेकर 4 ग्रिड के आसपास से लगभग 200 क्रशरों को हटाने की कवायद जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसकी सूची भी जिला खनन विभाग और जिला उपायुक्त को भेज दी गई है और उस ग्रिड में आने वाले दर्जनों पत्थर व्यवसायी को नोटिस भी भेजने की तैयारी जारी है। वहीं एनजीटी के कड़े आदेश के बाद पत्थर व्यवसायियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर बीते दिन जिला पत्थर व्यवसायी संघ के शिष्टमंडल ने बुधवार को पटना स्थित आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। वहीं पत्थर व्यवसायियों ने सीएम हेमंत सोरेन से एनजीटी के आदेश पर 4 ग्रिड के आसपास से लगभग 200 क्रशर प्लांटों को हटाए जाने की प्रक्रिया में व्यवसायियों को समय देने की मांग की थी। व्यवसायियों ने सीएम को दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में एनजीटी में केस होने के बाद 2022 में यानी 5 वर्ष के बाद क्रशर को हटाने का तत्काल आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन एनजीटी के आदेश का पालन कर रही है, लेकिन पत्थर व्यवसायी के बड़े यूनिट होने के नाते उन्हें व्यवसाय को स्थानांतरित करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। समय नहीं मिलने से पत्थर व्यवसायी परेशान हैं, वहीं हजारों लोगों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। बता दें कि गुरुवार को जिला मुख्यालय के नए परिसदन में दर्जनों पत्थर व्यवसायी एकजुट हुए और मौके पर पहुंचे राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हाजदा ने बारी बारी से सभी खदान और क्रशर संचालकों की समस्या से अवगत हुए। व्यवसायियों ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर पत्थर व्यवसायियों को राहत देने की पहल करे। वहीं संघ के सचिव चंद्रेश्वर सिन्हा उर्फ बोधी सिन्हा ने सांसद विजय हासदा से अपील करते हुए कहा कि एनजीटी के फैसले के बाद पत्थर व्यवसायियों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अचानक एनजीटी के दिए गए निर्देश के बाद क्रशर प्लांट समेत अन्य संसाधनों को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि जिला प्रशासन का कहना है कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जल्द से जल्द क्रशर को हटाएं अन्यथा बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं कई अन्य पत्थर व्यवसायियों ने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में क्रशर प्लांटों के बंद होने से हजारों परिवार का रोजी रोटी पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्रशर संचालकों के साथ साथ काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवार का लालन पालन करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। लोकल जो मिले थे तो मुद्दा था एनजीटी कोर्ट का आदेश का, चूंकि इस जिला में एनजीटी कोर्ट का आदेश आया है कि साहेबगंज में 4 ग्रिड बांटा गया है महाराजपुर मिर्जा चौकी से लेकर सकरी गली तक, उसमें पॉल्यूशन के हिसाब से इतना कसर ज़्यादा है अमाइंस, उसको हटा दिया जाए। उसके बाद में जिला प्रशासन से नोटिस सर्व हो रहा है, हम लोग अचानक ये फेस करना पड़ा है। 17 का मामला था, 22 में जजमेंट आया, तो हम लोग चाह रहे हैं इसमें कुछ समय मिले, कुछ समझे बुझे कि कोर्ट का ऑर्डर, हम लोग कोर्ट में जाएं, लीगली सलाह करें, थोड़ा हम लोग समय के प्रयोग किए। तो सीएम साहब बोले कि एमपी साहब को आप जाइए साहिबगंज और समझिए मामला क्या है और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। उसी आलोक में आज एमपी साहब आए थे, हम लोग पूरा विचार विमर्श किए, फिर हम लोग आपस में बैठे हैं और शनिवार को फिर हम लोग आपस में एक कमेटी बनाए हैं, उसकी बैठक होगी 11:30 बजे से, उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे आगे रूपरेखा क्या होगा हम लोग का, चूँकि 180 कसर लगभग 190 कसर बंद हो जाएगा, तो अचानक कसर बंद होना जिला में इतना बड़ी मात्रा में तो बहुत हौचपोच का स्थिति हो जाएगा। इसका यूनिट बैठा हुआ 20 साल से 30 साल से, अचानक बंद कर देना तो बहुत कोर्ट का आदेश है,
प्रशासन का ना कि हमको आदेश नहीं कि कोर्ट का आदेश है, उसी पर हम लोग मंथन कर रहे कैसे रास्ता निकाला जाए, ये कैसे लोग को रिलीफ मिले, उसी बारे में फिर हम लोग शनिवार को बैठेंगे और बोले सरकार इसमें देखेगी क्या करेगी। अभी जिला को एकदम उजाड़ देना है तो अलग बात है, अपील कर रहे सबसे थोड़ा मदद कीजिए। अब 180 का असर बंद होगा, उसका परिणाम क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। स्टाफ, मुंशी, मैनेजर, ड्राइवर, बैंक का लोन सब तो उसी में जुटा हुआ, एक थोड़ी है, एक ऐसा सबका जिंदगी खराब होगा। लगभग हजारों चार ग्रिड है, मिर्जा चौकी में एक ग्रिड है, मिर्जा चौकी से महादेवगंज दूसरा ग्रिड हुआ, महादेवगंज तीसरा ग्रिड हुआ, चौथा ग्रिड हुआ सकरी गली। इसमें कहना है कि इतना कसर ज्यादा है पॉल्यूशन हिसाब से। हम लोग बोले थे कि हम लोग पॉल्यूशन घटा दिया जाए तो मेकअप हो जाएगा, जैसे इस घर में 20 आदमी रह रहा है, खाना बन रहा है 30 आदमी का, तो 10 आदमी खाना फालतू बन रहा है, तो भैया तो 20 आदमी ने खाना इतने आदमी को, अब जो हमको पॉल्यूशन मिला 2000 सेफ्टी का, हमको 1500 कर दीजिए, घटा दीजिए तो रास्ता हो जाएगा। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो अपनी बात कर रहे हैं, नया चीज़ है तो सब घूम घूम कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी जा रहे हैं माइनिंग साहब के अभी अपनी भावना स्वागत कराते हैं, अभी क्या बोले। सीएम के निर्देश पर सांसद विजय हांसदा ने पत्थर व्यवसायियों से मिलकर उनकी समस्या से अवगत हुए। वहीं सांसद विजय हांसदा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व में एनडीए सरकार द्वारा कई गलतियों का पोटला वर्तमान की सरकार पर फोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके कारण आज पत्थर व्यवसायियों को यह दिन देखना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने एजेंसियों का गलत उपयोग करके देश के राज्यों के कुछ जिलों को खासकर निशाना बना रही है और उनका हक छीनने का कार्य कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार लोगों को रोजगार देने के बजाय उनके हाथ से रोजगार छीनने का कार्य कर रही है, जिसका जवाब जनता ही देगी। चर्चा का विषय बस यही है कि आज जिस तरह से केंद्र एजेंसियों द्वारा देश में कई राज्य हैं और राज्यों के अंदर कई जिले हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से कुछ ही जिलों और कुछ ही राज्यों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये बात मुझे लगता है अब संदेश जनता की तरफ से ही निकलेगा कि आज पूरे देश में जो रोजी और रोजगार का जो बीजेपी संकल्प ली थी उसे पूरा अभी तक कर नहीं पाई, लेकिन जो अपना हाथ पैर चला करके जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, आज उनके हाथ से जो रोजी का साधन छीना जा रहा है केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा, उसका जवाब जनता ही देगी। सर साहेबगंज में रोजगार